अवार्ड मिल गया और मैं बहुत ज्यादा खुश। ये कहानी घर घर की तुलसी, कहानी घर घर की, कहानी घर घर की, सॉरी क्योंकि साथ में उनको ना आपको इसमें मेरे टेस्टी हो गई। Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Neha and आज का वीडियो होने वाला है मीशो होम डेकोर का, बिकॉज लास्ट टाइम की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा चलो दोबारा वीडियो बनाते हैं। एंड मैंने 20 आइटम जो प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर करे थे, उसमें से 4 कैंसिल हो गए हैं, तो 16 प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास ये क्वर्की वुडन शो पीस विद बिग नोज। भले ही इसकी नोज बहुत ज्यादा बड़ी हो, इसमें इसकी नोज बहुत ज्यादा बड़ी है, एंड भले ही इसकी नोज बहुत बड़ी हो लेकिन काम की नोज है इसकी, और बीच में ऐसे स्पेस भी दिया हुआ है। इसकी आईज देखो बहुत ज्यादा क्यूट है, मतलब इसको मैं ऐसे देख रही हूँ तो सीरियसली ऐसा लग रहा है ये मेरे को भी देख रहा है। बीच में इसकी स्पेस दिया हुआ है, तो आपके ना जो ग्लासेस की स्टिक है ना वो यहाँ पे लगा सकते हो, और ये इस काम का है कि आप अपने ग्लासेस इस पे इस तरह से रख सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा फन टाइप का कुछ ऐसे डेकोर पीस है। इसको आप अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हो, लिविंग रूम में भी रख सकते हो, अगर आप अपने रूम को थोड़ा सा फन टच देना चाहते हो तो वहां पे भी आप रख सकते हो। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है और दिखने में भी बहुत ज्यादा क्यूट है। तो इसका जो प्राइस है वो है 162 रुपीज, इसका रिसेंट प्राइस है, और मुझे ये क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छा लगा। तो अगर आप कुछ इस तरह का पीस चाहते हैं छोटा मोटा, अपनी बुक्स के ऊपर भी रख सकते हैं, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट दिखा, अगर आपको पेंटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है तो ये इस टाइप के वुडन वॉल पेंटिंग हैंगिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगे। ये सेट ऑफ 3 है और ये काफी ज्यादा अच्छी पेंटिंग्स करी हुई है, इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, एंड ये तीनों ही डिफरेंट कलर की है। 3 का सेट है और बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, अपने रूम में लगा सकते हैं या फिर अपनी गैलरी में भी लगा सकते हैं, गैलरी में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ये। तो अपने किसी भी जो प्लेन स्पेस है ना वहां पर आप इसको लगाओगे ना तो ये काफी ज्यादा अच्छी और वर्सेटाइल लुक देगी, एंड ये पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक वाइब दे रहे हैं। बैक साइड से आप देख सकते हो इसमें डबल टेप लगी हुई है, अगर आप स्टिक करना चाहते हो तो इसमें डबल साइडेड टेप की हेल्प से स्टिक कर सकते हो, और अगर आपको ड्रिल करना है तो ये इसमें होल भी दिया हुआ है, तो उसकी तरफ से भी आप इसको हैंग कर सकते हो। इसका जो प्राइस है 131 रुपीज है, तो मेरी तरफ से तो इसकी क्वालिटी वगैरह काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे, मेरी तरफ से मैं इसको दूंगी 5 में से 5, एंड मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा बोहो वुडन प्लांटर, जो इस तरह से है, एंड इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। ये आया मेरे पास सेट ऑफ 2 में, लेकिन मैं इसमें से एक जो है वो एक वॉल पे लगा चुकी हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको उतारा नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी। पूरा जो इसके शेल्फ है ना ये पूरा वुड का है, और इसमें ये कॉटन रोब लगी हुई है, तो रोब भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, एंड इसमें ये वुडन वाले बीड्स लगे हुए हैं, तो ये भी इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। जो भी इसका ऐसे रोब का वर्क हो रखा है, अगर आप प्लांट लवर है ना तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, आपके रूम को ना ये एक बोहो लुक देगा, एंड ये आपके रूम को एक बोहो लुक देगा, एंड बहुत ही ज्यादा पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट पे आपको काफी सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी कि आपको इसको कैसे डेकोर करना है। और मुझे इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आप एक साइड प्लांट रख सकते हो और एक साइड ऐसे हैंग कर सकते हो, लीव्स को फेक लीव्स भी हैंग कर सकते हो, काफी अच्छा लगेगा। एक कैंडल भी आप इस पे रख सकते हो, मैं ना शूट करने के लिए कल कैंडल लेके गई थी बट वो टूट गई मुझसे, बट कोई बात नहीं। ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी लगी इसकी, और 258 रुपीज में 2 मिलेंगे आपको, तो इसको भी मैं हाईली रेकमेंड करूंगी। ये पूरा हैंडमेड है तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक पर्सनल टच ऐड कर रहा है उसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट जो है ना हमारा, ये किसी अवार्ड से कम नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ अवार्ड मिल गया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये ना साथ ही साथ मुझे वो वाला सीन भी याद आ रहा है जो बाहुबली में मुझे मुखौटा नीचे गिर जाता है ना, ये सेम उसकी तरह भी लग रहा है। ये बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग और आर्टिस्टिक पीस है, और एक हैंड है जिसपे फेस ने पूरा सपोर्ट लिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्लासी लग रहा है, एंड ये किसी भी रूम में, मतलब आपके लिविंग एरिया में भी और बेडरूम में भी काफी अच्छा लगेगा, बुक शेल्फ के पास भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, और इसकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, एंड ये जो हाथ पे जो टेक्सचर है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है,
बैक साइड से कुछ इस तरह का है। इसकी आईज में ना थोड़ा स्पेस भी है तो आप वैसे देख भी सकते हो। ये एक बहुत ही कन्वर्सेशन स्टार्टर पीस है और ये आपके रूम में आपके डेकोर में बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेशन और मिस्ट्री को ऐड करता है। ये बहुत सुंदर तो है बट रात में डर मत जाना। तो यस, इसका प्राइस है 599 रुपीस, इसका रीसेंट प्राइस है। पेरिस लवर्स, दिस वन्स फॉर यू। ये एक आईफिल टावर का स्टैचू है जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ये पूरा मेटल का है एंड ये स्टैचू एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक पीस है एंड ये आपके स्पेस में ना पूरा ऐसे एलिगेंस और रोमांस को भर देगा बिकॉज ऑब्वियसली पेरिस इज ऑल अबाउट लव एंड रोमांस etc. ये स्टैचू आप अपने बुक शेल्फ, आपके डेस्क, आपकी कॉफी टेबल का जो सेंटर होता है वहां पर भी रख सकते हैं या जहाँ पे भी आप अपने पेरिसियन चार्म अगर आप अपने घर में लाना चाहते हैं तो आप इस टाइप का ये स्टैचू रख सकते हैं। बहुत ही छोटा क्यूट सा है, ज्यादा जगह नहीं लेगा। तो इसको भी मैं हाईली रेकमेंड करूंगी और इसका जो प्राइस है वो है 123 रुपीज। नेक्स्ट जो आइटम है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे वो कब से चाहिए था। ये है मेटल का ओवल शेप में प्लांटर जिसमें आप अपने प्लांट लगा सकते हैं। आप फेक लगाएं, रियल लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं इनको ना, आप अपनी रेलिंग पे लगा सकते हैं। अब लगाने के लिए ना मैं ऐसे होल दिए हुए हैं, इसको हैंग करने के लिए दिया हुआ है ये, और इसमें भी होल है और ग्रिल पे जो जो आपकी रेलिंग है ना उस पर भी आपको होल करना पड़ेगा। जो इस तरह से यहाँ पे इसको अटैच करना है और इसके साथ मिले हैं स्क्रू एंड नट्स भी मिले हैं, बहुत सारे ऐसे स्क्रू और नट्स मिले हैं तो उसकी हेल्प को फिक्स कर सकते हैं एंड अपनी रेलिंग पे लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये इंडोर आउटडोर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एंड इसके ये जो फ्रंट में ये पोल्का डॉट वाला डिज़ाइन है ना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, ड्यूरेबल है, बहुत लंबे समय तक ये चलेगा। 760 में है लेकिन इसके साथ ये 5 का सेट मिला है। इसमें अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, पर्पल, येलो, पिंक, ग्रीन कलर और ये साथ में दिया है रेड कलर। तो ये सारा सेट, पूरा का पूरा सेट आया है 760 में। अगर ये आप बाहर मार्केट से लेने जाओगे ना तो आपको ये 2000 में भी मुश्किल से मिलेगा। एंड मैंने ऑनलाइन और भी जगह चेक किया था तो 1500 में आपको ये सारे सेट मिल रहे थे 1500 में, लेकिन यहाँ पे मीशो पे मिल रहा है आपको 760 में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि इतने कम प्राइस में मिला है एंड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप भी मेरी तरह अपनी बालकनी को बहुत ज़्यादा परफेक्ट और सुंदर बनाना चाहते हैं तो इस टाइप के आप ले सकते हैं, तो ज़रूर लगाऊंगी और जिस दिन मैं लगाऊंगी ना उस दिन मैं आप लोगों को फोटोज ज़रूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट है ये हमारे पास वॉल आर्ट जो मेटल में है एंड ये 3 रिंग दी हुई है इसमें साथ में ही। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्टैंड आउट पीस है और ये इसका जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब किसी भी वॉल पे, प्लेन वॉल पे अगर आप लगाओगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अपने लिविंग एरिया में लगा सकते हैं, ये लिविंग एरिया के लिए ज़्यादा परफेक्ट है। वैसे तो बेड के पीछे भी लगा सकते हो लेकिन सोफ़ा के पीछे अगर आप लगाओगे ना किसी भी वॉल पे तो वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये पूरा मेटल का है और ये भी मेटल का है लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा पतली नहीं है कि आसानी से मुड़ जाए, तो ये मुड़ने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी एंड बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और इसमें ये छोटा सा की होल टाइप का बना हुआ है जिससे आप इसको वॉल पे हैंग कर सकते हो एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी तीनों एक साथ ही, बहुत सुंदर लगेगा। इसका रीसेंट प्राइस है 275 रुपीज़। तो मेरी तरफ से तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। आप अपने स्पेस को थोड़ा सा लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं तो इस टाइप की वॉल आर्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इस टाइप की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो कि वॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बेजान सी वॉल पे बहुत ज़्यादा जान डाल देती है क्योंकि इसके कलर्स ही इतने ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल पेंटिंग है, मुझे इसके कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे एंड ये आप अपने गार्डन में भी लगा सकते हो। जैसे आप अपनी बालकनी में भी अगर आपके पास कोई प्लेन वॉल है ना जो खाली पड़ी है तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हो। प्लेन क्या, कैसी भी वॉल है जिसपे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हो। अगर आप इसको प्लांट्स के बीच में भी लगाओगे ना तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। आर्ट के साथ साथ डेकोर का भी काम कर रही है, दोनों चीज़ें इसके अंदर एंड पेंटिंग्स के अंदर भी हुई है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड इसमें बैक साइड पर ये डबल टेप लगाई हुई है जिसकी हेल्प से आप स्टिक कर सकते हो, लेकिन हाँ लगाने से पहले ना सोच लेना कि आपको किस तरह से लगानी है क्योंकि एक बार लगा के अगर दोबारा उखाड़ोगे ना तो आपकी वॉल ही हाथ में आ जाएगी। मतलब वॉल हाथ में नहीं आएगी, वॉल की पपड़ी हाथ में आ सकती है। तो एक बार पहले लगाने से पहले डिसाइड कर लेना कि किस तरह से लगानी है, एक ही बार स्टिक करना। ओके, तो ये मुझे इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, वुडन का है ये। इसका प्राइस है 99 रुपीज़ और इसमें ना आपको 3 और ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था बट आप लोगों को अगर कुछ और पसंद आ रहा हो तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेकअप और स्किन केयर लवर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है ये।
ये है 360 मेकअप ऑर्गेनाइजर जिसको मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, लेकिन हाँ मैंने ना इसको पूरी तरीके से सेट नहीं किया है। इसके साथ ना एक रबड़ का भी, यार मुझे ना रबड़ का पैकेट मिल नहीं रहा है, लेकिन मैंने ना कल भी ये वीडियो शूट करी थी बट वो मुझे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी तो मैंने दोबारा शूट करी हो, तो उसकी मैं क्लिप यहाँ पे डाल दूंगी। कि इस तरह से आपको रिंग्स मिलेंगे जो कि रबड़ के हैं और उनको ना आपको इसमें लगाना है, उनको ना आपको इसमें, मेरे प्रोडक्ट गिर रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप की है। मेरे कांच के प्रोडक्ट तो नहीं गिरे ना, ओह गॉड मुझे बहुत डर लग रहा है ऐसे दिखाने में, पता नहीं मैंने क्यों लगा रखा है। ओके मैं कल ट्राई करके देख रही थी, कल मैं इसको ट्राई करके देख रही थी, इसमें आपको कुछ शेल्स भी मिल जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, आपको जहाँ पे ज़्यादा स्पेस चाहिए आप वहाँ ज़्यादा स्पेस लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं चाहिए वहाँ पे। तो मैंने अपना सामान इसमें लगा लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरा सामान गिर ना जाए, पूरा कांच का है। इसमें आप अपने ऊपर कुछ भी ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हो या कुछ प्रोडक्ट भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो ये मेकअप ऑर्गेनाइजर मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज क्योंकि ना मेरे को हर दिन अपने मेकअप को सेट करना पड़ता है और हर दिन हो नहीं पाता है, ठीक है, और हर दिन नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से पूरी अलमीरा में ना ऐसे फैल जाता है, सारे प्रोडक्ट गिर जाते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा काम का लगा, लेकिन ना इसमें बीच बीच में स्क्रैचेस आ रखे थे जो मैं लास्ट वीडियो की, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी ना उसकी मैं क्लिप डाल दूंगी, थोड़े से ना बीच में स्क्रैचेस आ रखे थे तो वो नहीं आने चाहिए थे। 359 है इसका रिसेंट प्राइस, काम की चीज़ तो है लेकिन थोड़े से स्क्रैचेस जो है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए। मैं इसको दूंगी 3 out of 5 बिकॉज इसमें थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं जो कि किसी को भी पसंद नहीं आते, और लेकिन हाँ वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो स्क्रैचेस ना दिख नहीं रहे हैं, वो बीच में जो सेंटर में इसको अटैच करते हैं ना इस तरह से वहाँ पर आ रखे हैं और कहीं नहीं है इतने ज़्यादा स्क्रैचेस, सिर्फ उसी साइड में आपको स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है अलग से कि हाँ इसको किस तरह से सेट करा जाता है तो उसके लिए आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो आप इसको इजीली ना ऐसे रोटेट करके दूसरा प्रोडक्ट उठा सकते हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत है, आपने इसको उठाया यही रखा, अब आपको दूसरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं इजीली, बहुत ही आराम से रोटेट हो रहा है, तो ये चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड आई नो कि काफ़ी लोगों के पास ये होगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ये मंगवा लिया है, आपके पास नहीं है तो आप भी मंगवा लेना अगर आपको नीड है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पिंटरेस्टी आइटम है, और आइटम नेक्स्ट जो आइटम है हमारा वो पिंटरेस्ट से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट वाला जो ये है क्यूट सी बास्केट, एंड ये बीच में इसमें सनफ्लावर भी लगा हुआ है, बहुत ही क्यूट लग रहा है, एंड वाइट कलर की है, पूरा बास्केट है। इसमें ना आप अपना प्लांट भी रख सकते हो या आप अपने वो रख सकते हो, मेकअप ब्रशेस रख सकते हो इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। इसके साथ ये भी मिला है जिसमें मैंने ये रखा हुआ है, इसके साथ ये भी मिला है बास्केट जो पूरा कवर हो रखा है। ये वैसे तो टिश्यू के लिए है, आप इसके अंदर टिश्यू डाल सकते हैं बहुत सारे और यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं टिश्यू वगैरह को। इस पर भी बहुत बहुत क्यूट सा फ्लावर बना हुआ है, एंड बट मुझे ना ये टिश्यू के लिए परफेक्ट नहीं लगा, इसको मैं बहुत सारी चीज़ें भी डाल सकती हूँ। सिर्फ एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये इसको ना इस तरह से दबा के बंद करना पड़ता है, मतलब इसको ऐसे करके हम बंद नहीं कर सकते जल्दीबाजी में, इसको बहुत ही आराम से बंद करना पड़ेगा इस तरह से एडजस्ट करके, लेकिन दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ में ये सेट मिला था पूरा ऐसे, आप इसमें ना छोटा सा प्लांटर भी लगा सकते हो। मैं क्लिप ऐड कर दूंगी, आप इसमें इस तरह का फेक प्लांट भी लगा सकते हो। प्राइस 278 rupees, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ले भी सकते हो, बट मुझे नहीं लगता ये वाला जो है वो टिश्यू पेपर के लिए ज्यादा सही है, बिकॉज ये देखो इस तरह से ना ये बंद नहीं होता है, इसको अंदर की सर तरफ पुश करना होता है और तब ये बंद होता है पूरी तरीके से। अगर मैं इसमें टिश्यू रखूंगी तो मुझे लग रहा है यही निकल के हाथ में आ जाएगा, तो उससे बेटर है कि मैं इसमें कुछ और चीजें रखूँ। तो यस, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये इस टाइप का डिजिटल अलार्म क्लॉक, और ये कुछ इस तरह का है, वाइट कलर का है, ये डिजिटल अलार्म क्लॉक है जिसको आप अपने बेड साइड के पास भी रख सकते हो। उसके साथ ये केबल मिला हुआ है तो आपको इसको पीछे से अटैच करना है और फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, इसको आप एडेप्टर में लगा के कनेक्ट कर सकते हो तो ये अच्छी खासी जल जाएगी। मैं इसको जला के दिखा देती हूँ। ओके तो इसका कुछ इस तरह से आ रहा है, बाकी इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। हाँ बाकी इसके साथ ये इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है इसमें। ये अलार्म क्लॉक आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। 524 rupees का है, तो यस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती कि कितने टाइम चलने वाला है, बिकॉज इस टाइप की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उनकी मैं मीशो से गारंटी नहीं ले सकती, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मैं इसको बहुत ज़्यादा भी ऐसे बोलूँगी नहीं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा डाउट में रहती हूँ मैं, बिकॉज मेरे साथ पहले भी हो चुका है कि मीशो से मैंने जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ली है ना
उसमें मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती ही होती है। इसको बहुत ज्यादा आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हो, ठीक है। यस, नेक्स्ट दिखाती हूँ। नो डाउट ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ ओके, नेक्स्ट है हमारा 4 सेक्शन एयर टाइट ट्रांसपेरेंट स्टोरेज कंटेनर्स। तो ये कुछ इस तरह का है जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी ज्यादा प्यारा क्यूटू सा है। इसमें ये 4 कंटेनर्स दिए हुए हैं और बीच में इसको होल्ड करने के लिए ये दिया हुआ है और नीचे ये इसका पूरा इस तरह से बेस दिया हुआ है, इसपे आप इसमें रख सकते हो। एंड इसका ये जो कंटेनर है ना, ये ऐसा लग रहा है कपकेक है और मेरा मन कर रहा है मैं खा जाऊँ इसको। लेकिन इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो ये वाला जो ये होल्डर है ना, ये अलग से आया था, तो ये जो है ना इसमें तो ये डल गया, लेकिन इसमें ये नहीं डल रहा है बिल्कुल भी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा जान लगा ली थी बट स्टिल ये नहीं लग रहा है, ये निकल रहा है बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी। अब पता नहीं ये सब में ऐसी होगी या इसी में ही ऐसी आई है, बट ये नहीं लग रही है पूरी तरीके से। आपको अगर मैं पास से दिखाऊँ ना तो ये नहीं लग रही है, यहाँ ये लग चुकी है लेकिन यहाँ से ये नहीं लग रही है बिल्कुल भी। और मैं नहीं चाहती कि ये टूटे बिकॉज मुझे ये रिटर्न करना है। या देखते हैं, मैं हो सकता है मैं रिटर्न ना करूँ क्योंकि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता इतना। और दूसरी बात जो नेगेटिव चीज़ है इसमें, ये जो इसकी लिड है ये बहुत अच्छी लिड है, ये इसमें ट्रांसपेरेंट लिड दी हुई है। एंड इसमें बोला वो एयर टाइट कंटेनर ये तब होता जब इसकी ये इजीली ना निकल जाती हो। ये बहुत ही लूज है, ये ना ये बहुत ही इजीली निकल रही है तो ये बहुत ही लूज है। मुझे नहीं लगता इसमें फ्रेश रहेंगी चीज़ें, कुछ भी अगर आप डालोगे तो ये पूरी फ्रेश रहेंगी जैसे एयर टाइट कंटेनर में रहती हैं। तो ये बहुत ही इजीली निकल रही है, ये गिर तो नहीं रही है लेकिन हाँ पूरी एयर टाइट कंटेनर नहीं है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट होना ज़रूरी है इसका, ठीक है। लेकिन ये आराम से खुल रही है तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जिन पे हवा लग के ख़राब होने का चांस है। ये आप कभी कभी के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ भी चीज़ स्टोर करके रख देना वो चीज़ मेरे हिसाब से गलत होगी। द रीसेंट प्राइस है 177, जो कि लग रहा है कि यार ठीक है, दिखने में तो अच्छी है, किचन में दिखने में तो काफ़ी अच्छी लगेगी, बट ये 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं इसको रिटर्न करना चाहूंगी। तो यस, बाकी आप देख लो कि आपको ये कैसा लग रहा है। दिखने में खूबसूरत है लेकिन जरूरी नहीं है हर सुंदर चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो हमारी ये टाई बैग कर्टेन्स को होल्ड करने के लिए, तो ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस तरह से ये गोल्डन रोप लगाई हुई है नीचे, यहाँ पे ये बीड्स लगाए हुए हैं और ये पर्ल है, बहुत ही बड़ा सा पर्ल है जो कि बहुत ही शाइनी ग्लॉसी है और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं है, क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है मुझे। एंड कर्टन्स पे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे एंड इसमें काफ़ी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, तो अपने आप कर्टन के हिसाब से आप इसको मंगवा सकते हो। मैंने ये वाले मंगवाए हैं और कि ये गोल्डन वाले हैं तो ये ज़्यादातर चल जाते हैं हर टाइप के कर्टन्स पे, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। इसका जो प्राइस है ना 204 रुपीज़ है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, आपके कर्टन को आराम से होल्ड कर देगा, एडजस्टेबल वाला है। आपको अपने कर्टन को इस तरह इसमें डालना है एंड इस तरह से इसको पीछे की साइड एडजस्ट करना है, कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये। तो इस टाइप की चीज़ें ना थोड़ा सा ऐसे घर में रॉयल टच देती है, मुझे पर्सनली इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके घर में गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं ना तो आप इस टाइप का वेलकम बोर्ड लगा सकते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो उनको वेलकम करने के लिए भी ये लगा सकते हैं कि आओ स्वागत कर सकते हैं उन लोगों की। बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंडियन टच दे रहा है, इसको लगाने से शायद आपके गेस्ट घर पर आएँ और घर जैसा फील करें, ठीक है, उनको ये ना लगे कि कहीं मेहमान बन के आए हों, तो उनको ये अच्छा लगे। ये आपके अपने गेस्ट के लिए लगा सकते हो और बहुत ही फ्रेंडली टच दे रहा है। और एक आंटी ऐसे नमस्ते करके वेलकम कर रहे हैं, तुलसी है ये कहानी घर घर की, तुलसी कहानी घर की, कहानी घर घर की नहीं सॉरी क्योंकि सास भी कभी वो होती कि तुलसी है, तो ये वेलकम कर रही है आप लोगों का सब। और नीचे ना हर टाइप के बना रखे हैं और ये ना मैंने ही करा है, ये ना निकल गया था तो मैंने इसको पीछे से गार्ड बांध के ना इसको ऐसे डाला है, तो ये मेरे से शायद मेरे को लग रहा है उल्टे डल गए हैं, तो ये पीछे की साइड से हो गया है। ये मेन डोर पे लगा सकते हैं, दिखने में भी काफी अच्छा लगेगा एंड गेस्ट को भी काफी अच्छा लगेगा। इसका जो रीसेंट प्राइस है वो है 104 रुपीज एंड इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो अगर आपको अच्छा लगता है अपने मेहमानों का स्वागत करना तो आप ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये मैक्रीम, ये स्टार और मून की शेप में है, मून एंड स्टार की शेप में है और इसकी क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड ये हैंड क्राफ्टेड है और ये पूरा रोप पे जो वर्क किया हुआ है ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, किसी भी वॉल पे अगर आप इसको टांगोगे ना, हैंग करोगे, तो
आपकी वॉल में ना चार चांद लग जाएंगे, सीरियसली ये बहुत ज्यादा प्यारा है। इसमें ना छोटे छोटे बीड्स भी लगे हुए हैं, आपकी स्पेस में एक बोहो वाइब भी देगा, बहुत ही कोजी वाइब देगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परफेक्ट है। एंड इसमें ना आप वो वाली लाइट्स भी लगा सकते हो एलईडी, तो वॉल पे बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। ये 2 का सेट है, ये 242 रुपीज है इसका रिसेंट प्राइस, एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट हमारा ये शू रैक, जिसको ऑर्गेनाइज करते करते मेरे बहुत ज्यादा दिन निकल गया था, बहुत अंधेरा हो गया था, तो मैं इसको ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, मैं इसको एक पीस आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से लग रहा है। तो खुद से ही लगाना पड़ेगा, ये मैंने एक ही लगाया, मैंने एक ही लगाया था अभी, और ये बैक साइड का निकल गया है। हाँ, इसके बैक साइड का मैंने निकाल दिया था। तो ये कुछ इस तरह का है, इस पे आप बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस लगा सकते हो, कि मैं आपको किसी और वीडियो में असेंबल करके दिखाऊंगी, बिकॉज इसमें लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी भी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें लगा के दिखा दूं। क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, मैं आपको ना इस तरह से काफी ज्यादा पार्ट मिल जाएंगे। ये है पूरा बेस, एंड ये इसके नीचे अलग से आएंगे, इसको भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। एंड ये मिलेगा साइड में लगाने के लिए, दोनों साइड्स में आपको ये लगाना है, और वो भी बहुत देख के लगाना है। लाइन आपको दिख रही है ना, ये आगे की तरफ होनी चाहिए फ्रंट में, कि आप ये जब खोलो ना तो आपको आसानी हो। तो आपको ये चीज ना इसमें इंसर्ट करनी पड़ेगी ताकि ये इजिली खुल जाए। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से समझ आने वाला है। ये चीज लगेगी बैक साइड पर, यानी कि यहाँ मैं लगा के दिखा देती हूँ। एक ये इसका बेस, ये दोनों साइड पे मैंने लगा दिए। अब ये बैक साइड पे लगाना है। थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर देती हूँ, ये लगाना है इसकी बैक साइड पे कुछ इस तरह से। हाँ, ये हो गया इसका बैक साइड पे। आपको ये वाला लगाना है, इसमें आपको पहले ये डालना पड़ेगा, इसके अंदर डालना है ना कुछ इस तरह से। और ये आपका ये बंद करने के लिए डोर लग गया है, तो ये आपका ये डोर लग गया बंद करने के लिए। आप इस शटर को आराम से इस तरह से बंद कर सकते हो और खोल भी सकते हो। तो और इसके ऊपर फिर दूसरा लगाना है। जब आप ये सारी चीजें चारों तरफ की लगा दोगे ना, उसके बाद इस टाइप का नेक्स्ट लगाना पड़ेगा। और इसमें ना आप ध्यान रखना, ये जो मैग्नेट वाले है ना, ये फ्रंट साइड में हो, डोर वाली साइड में, ठीक है? तो आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। आई मीन, ये मुझे समझने में ना कल पूरा दिन लग गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। आई होप आपको ये वीडियो में समझ आ रहा हो, और अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं एक नई वीडियो जरूर आप लोगों के लिए बना दूंगी। इनको समझ नहीं आ रहा, आउच। इसको तो पूरा दिन जाएगा मेरा। शू रैक का प्राइस है 2020, तो उस हिसाब से तो काफी सही है। आपको ना इस तरह से दिए हुए हैं ये पुश करने के लिए, तो आपको कभी भी यहाँ से निकालना हो ना तो यूं मत खींचना, क्योंकि ये ऐसे नहीं निकलेगा, टूट जाएगा। आपको इसको पुश करना है और फिर निकालना है, जैसे यहाँ है ना, ऐसे करोगे ना तो ये नहीं निकलेगा। इसको आपको पुश करना पड़ेगा, तब जाके आप निकाल सकते हो, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या बकवास कर रही हूँ अभी। ये देखो, और अगर ये भी फिट ना बैठ रहा हो ना, ये ऐसे आ रहा हो, तो भी आप गलत लगा रहे हो, ठीक है? क्योंकि मुझे कल गलतियां कर करके मुझे पता चल गया कि मैंने बहुत गलतियां करी थी, ठीक है? और ये जैसे ही आप इसके ऊपर लगा दोगे ना, तो ये निकलना बंद हो जाएगा। मेरा और ये निकलना बंद हो जाएगा, जैसे ये निकलना बंद हो गया। लेकिन हो गई मुझे लग रहा है ये पहले ही निकल गया था। हो गई ये कैसे निकल गया? मुझे लग रहा है ये पहले ही निकल गया लगाने से। गलती मुझे समझ आई है कि मुझे ऊपर लगाने से पहले नीचे वाला चेक जरूर करना है, नहीं तो आपको ये पूरा खोल के और फिर ये लगाना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? तो यस, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, बिकॉज अगर मैं इसको करने बैठी तो ये ऑलरेडी 10 मिनट की हो गई है, जिसको मुझे कट कुटा के छोटा बनाना है, और इतना एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता एक ही वीडियो में हो पाएगा। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए होगा कि तरीके से कैसे लगाना है, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, बट उसके लिए आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना पड़ेगा कि आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए। अगर मुझे 5 कमेंट आ गए इस टाइप के कि आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं बनाऊंगी इसकी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है?
तो यस, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।